हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फटे हुए कपड़े को कैसे रिपेयर किया जाए वो लेकर आई हूँ। ये डिमांड मेरी एक सब्सक्राइबर पूनम सोनी की है, तो आई होप कि मेरी इस वीडियो की वजह से उनकी कुछ हेल्प हो पाए। तो मेरे पास कुछ इस तरह के पुराने कपड़े हैं जो फटे हुए हैं। अक्सर हमारे घरों में इस तरह के कपड़े होते हैं और अगर वो थोड़े से फट जाए तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए हैं जो सीखना चाहते हैं कि उनको कैसे रिपेयर किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक शर्ट जो बैक साइड से फटी हुई है। अक्सर हमारी शर्ट इस तरह से फट जाती है और हम उनको फेंक देते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं शर्ट को उल्टा कर लूंगी और इस तरह से दोनों सिरे से उठाकर बिल्कुल सीधे तरीके से इसमें सिलाई लगा दूंगी। जहां तक हमारी शर्ट फटी हुई है हम वहां तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। मैंने इसको सिलाई दिखाने के लिए दूसरी तरह का थ्रेड यूज़ किया है। आप उसी कलर का थ्रेड यूज़ करिए जिस तरीके का आपका कपड़ा हो। बैक साइड से सिलाई लगाने के बाद हम दोबारा शर्ट को सीधा कर लेंगे और एक दाब सिलाई लगा देंगे। ये हम सीधी तरफ से लगा रहे हैं। आप अच्छे से सीधा करके इसमें दाब सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब मेरे पास है एक पजामा या लोअर। इसको हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इसे उल्टा कर लूंगी। उल्टा करने के बाद पहले हम जहाँ पे मैंने ये अंगूठे दबा कर रखे हैं इस दोनों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। एकदम हम सीधी सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले एक तरफ से सिलाई लगाएंगे फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। जब इन दोनों तरफ सिलाई हो जाएगी फिर हम तीसरी जगह से उठाकर इस पे सिलाई लगा देंगे। ये सीधा करके देख लीजिए, हमारा पजामा अच्छे से रिपेयर हो चुका है। अब मैंने एक बच्चे की जैकेट ली हुई है जो आर्म होल से फटी हुई है। अगर ये यहाँ से भी फटी हुई होती तो हम इसकी दोनों साइड उठा के पहले रिपेयर करते, पर ये यहाँ से फटी हुई नहीं है तो हम इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे कपड़े की अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। इसके बाद मैंने एक यूनिफॉर्म ली है जो आर्म होल से फटी हुई है। सबसे पहले आप इसके धागे को कट कर लीजिए। उसके बाद आप दोनों तरफ से उठाकर जो हमारी आर्म होल कटिंग होती है वहां से उठाकर इसी तरह से दोनों तरफ से हाफ हाफ सिलाई कर दीजिए। फिर हम नीचे की तरफ से एकदम उठाकर यहाँ से सिलाई कर लेंगे। अभी मेरे पास एक पैंट है जो जल गई थी। इसको रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको अच्छे से काट लेंगे, जो हमारी ये थ्रेड है और जहाँ से जला हुआ है वो हम काट लेंगे और इसके अच्छे से गोलाई ले आएंगे। इसको काटने के बाद आप इसके मैच का एक कपड़ा ले लीजिए। ये मेरे पास मैच कलर नहीं है फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। और आप अंदर की तरफ से इस पैच को पेस्ट कर लीजिए या सिल लीजिए। इस तरह से इसको मैंने पेस्ट करना है और चारों तरफ इसकी सिलाई लगानी है। आप अच्छे से सफाई लगा के इसकी सिलाई कर दीजिए। ये मैंने चारों तरफ इसकी सिलाई कर दी है और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है और कपड़ा है इसको कट कर लीजिए।
आप चाहे तो जिग जैग भी इसमें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।